सीरियल इसकी दास्तान नागमणि में देव आता है और सारे लोग आते हैं, पानी डालकर उठा लेते हैं पारो को और कहते हैं कि तुमने सच आखिरकार बोल ही दिया। वह सोचती है क्या हो गया, मैंने कहीं बोल तो नहीं दिया सच। और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग बताता है, उसमें वह कहती है कि मैं इस घर में मकसद से आई हूँ, तीन लोग हैं मेरे मकसद के पीछे। और फिर यह नहीं बताया कि भोला को किसने मारा है। तभी उसे याद आने लगती है पूरी वारदात और वह कहता है कि तुम तीनों हो, तुम्हारी बेटी, तुम और तुम्हारी पत्नी, उसी के लिए तो मैं आई हूँ, वही मेरा मकसद है। चाची जी कहती है मत परेशान करो, वह निर्दोष है। सारे चले जाते हैं। पारो रंभा को बताती है कि वह नहीं है, पारो मैं देखने जाऊंगी कि पत्थर बनी कि नहीं बनी, तभी मैं भरोसा करूंगी। वह जाती है तो पारो पत्थर बनकर खड़ी हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि इसके सामने मेरी सच्चाई ना आए। तो पत्ती गिरकर उसके हाथ पर रख जाती है जहाँ की धूल हट गई है। और फिर वह जाके उन दो लोगों से बताती है, यहाँ पर घर में होती है। पारो तो सोचती है बाहर जाऊं चुपचाप से। वह कैद की हुई लड़की को खाना खिलाती है। वह बोलती है कि क्यों मुझे कैद किया है। पीछे से पिताजी देख लेते हैं। वह घर आ जाती है, लाइट जलती है तो देव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बाहर काय के लिए गई थी। तो वह बोलती है कि मैं परेशान थी। हाथ पकड़ के कहता है माफ करना मुझे, मुझे तुमसे सॉरी बोलना है। मैंने तुम पर जो इल्ज़ाम लगाया वह बहुत गलत था। तुम सेम वैसी हो जैसी मेरी बीवी थी, हर वो काम करती हो जो लड़कियों को नहीं करना चाहिए। मेरे में हिम्मत नहीं थी इसलिए मैंने जड़ी बूटी खा के सच बोला है। उसे सुला देती है और फिर जाती है बुलबुल के कमरे में। देखती है कि उसने स्केच बनाए हैं, स्केच में आंसू दिख रहे हैं। वह उसके पास जाकर देखती है कि आंसू क्यों हैं, क्यों आंसू बहा रही है वह। तभी माँ आ जाती है और बताती है कि जब से इसकी माँ गई है तो देव इसको प्यार नहीं करता, इसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, इसलिए ये रोती रहती है, उसे बेटी की तरह मानता नहीं, जरूरतें पूरी करता है। सुबह गाजर का हलवा बनाकर ले जाती है बुलबुल के लिए और यहाँ पर चुड़ैल बुलबुल को परेशान करती है और कहती है तेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा। पिताजी पूछते हैं कि कल रात में तुम कहाँ गई थी, ये बताओ मुझे। तो वह डर जाती है। इधर पर बुलबुल कहती है मेरे स्केच को कुछ मत करना और वह हलवा लेकर जाती है, लेकिन उसके स्केच जला देती है चुड़ैल।